हेलो दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फिल्म क्रिटिक आह्वान और आज मेरे साथ हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कोलर बॉम्ब की लेखक मिस्टर निखिल नायर। हाय निखिल। हाय हाय अमन। हाय। कोलर बॉम्ब एक थ्रिलर है जिसमें जिमी शेरगिल मुख्य कलाकार हैं और उसमें आशा नेगी और राजर्षि देशपांडे भी काम किए हुए हैं। तो आज हम निखिल से सुनते हैं कोलर बॉम्ब के बारे में। तो निखिल, मुझे बताइए, आपने अपनी शुरुआत एज ए राइटर कैसे किया? शुरुआत में ही हूँ अभी। मैं आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग अबाउट 5 years ago। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। बट पैशन वही था, ऑलवेज टू स्टार्ट राइटिंग फिल्म्स एट सम पॉइंट, स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स। बट फॉर मी द वे इन वॉज राइटिंग फॉर श्योर। तो आई इन इन व्हाइल आई वॉज इन एडवर्टाइजिंग इन दैट इंडस्ट्री, आई मेट दिस राइटर कॉल्ड भावेश मांडलिया, हु ओके। wrote OMG, and most recently he's written a bunch of great films, Angrezi Medium, Serious Men, etc. यस। So I approached him and I said I want to learn from you, or I want to assist you. So he sort of became my mentor over the next few years, and everything I learned about screenwriting was from him. And so initially we started working for good with I was very lucky to always work with very talented people, like when Phantom Films was producing films back then. And then we got in touch with Sudhir Mishra sir, who wanted अच्छा। us to write a different film, but eventually that film would become Serious Men, adaptation of a Manu Joseph novel. Since then I've been choosing my projects wisely, I hope. Colour Bomb is my first solo project as a writer. So yeah, that's where we are at. ओके। सो निखिल, सीरियस मैन जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, इट वाज बेस्ड ऑन ए नॉवेल, राइट? एंड और ये जो कॉलर बॉम्ब है, इट्स बेसिकली ए थ्रिलर, रेसी थ्रिलर जो हम देखने को पसंद करते हैं। सो बहुत ही डिफरेंट है दोनों जॉनर अगर आप देखा जाए तो आपका अनुभव इसमें कैसा रहा, फ्रॉम राइटिंग ए पीस विच इज बेस्ड ऑन ए नॉवेल टू राइटिंग ए थ्रिलर लाइक कॉलर बॉम्ब? कैसा रहा अनुभव और व्हाट ऑल डिड यू इंक्लूड इन योर राइटिंग स्पेशली? नहीं, आई थिंक सीरियस मैन और कॉलर बॉम्ब दोनों में द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेर एंटायरली डिफरेंट। सीरियस इज अ वेरी सेलिब्रेटेड नॉवल, और आर आइडिया एंड आई वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। आर आइडिया वाज टू सॉर्ट ऑफ डू जस्टिस टू दैट नॉवल। उसमें एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर मनु जोसेफ, जिन्होंने किताब लिखी थी। एंड उन्होंने एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव लाया टू दलित लाइफ, ट्राई टू नॉट विक्टिमाइज देम बट ऑल्सो शो द रियालिटी विदाउट विदाउट ग्लॉसिंग ओवर कि उन्हें क्या व्हाट इज एन एस्पिरेशनल दलित लाइक, इज समथिंग दैट आई डोंट होप आई विल एवर अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज नॉट माई बैकग्राउंड, इट्स नॉट माई लिव्ड रियालिटी। सो आर इंटेंशन वॉज कि वी आर गोइंग टू स्टे फेथफुल टू द नॉवल बिकॉज दैट इज वेर द एक्सपर्टीज कम्स फ्रॉम। मिस्टर जोसेफ इज अ यू नो इज अ लॉन्ग टाइम जर्नलिस्ट, इज अ थिंकर, इज अ फिलोसोफर ऑलमोस्ट। सो हमारा इरादा यही था कि वील जस्ट स्टे ट्रू टू वॉट ही सेज बिकॉज ही नोज बेटर। एंड एक एक नॉवल को फिल्म में अडेप्ट करने के लिए वॉट एवर प्लॉट मैकेनिक्स नीड टू बी देयर, वी विल पुट दैट इन प्लेस। And of course, the project was led by Bhavesh sir, who who has a read on screenplays. Like I've not seen anybody have such a great, a fantastic read into screenplay अच्छा structure वगैरह. अच्छा So I was very lucky to work with on that. And Abhijit Kumar is the other co-writer on that. Again, उनका भी एक बहुत ही अलग perspective on the novel. So it was a very long effort, Serious Men. About 2 years it took us to write the screenplay. हाँ In its finished form. कॉलर बॉम्ब के बारे में बताऊं तो इट्स मोर माई जोन। आई लाइक थ्रिलर्स। आई वॉज ब्रॉट अप ऑन अ लॉट ऑफ या 90s डेविड फिंचर, जॉन मैकटियरन से लेके इवन टोनी स्कॉट फॉर दैट मैटर।
So it was a very, you know, and Color Bomb was inspired. Firstly, I was approached to adapt a story based on this real event which happened in Philadelphia, I believe. But of course, it took a completely different track by the time I was finished with the story development. So Color Bomb was actually very liberating. It was a lot more fun. It was a lot less responsibility. And Yoodley Films ne bahut freedom diya tha initially to craft the story whatever way I see fit. So yeah, that's I hope I answered you. Okay, so aapka ye fun is what I'm saying. Okay. बिकॉज आप थ्रिलर में काफी दिलचस्पी रखते हैं, आप काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू आर मोर टेम्पटेड टू राइट इन दैट फैशन. ओके, या गुड टू नो. या या, इट्स इजीयर एंड गिव्स यू अ लॉट मोर रूम व्हेन इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ एंड यू डोंट नेसेसरली, यू नो, इट्स मोर योर इमेजिनेशन देन रिसर्च, इवन दो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्ड. एंड आई लाइक द जॉनर, इट्स द जॉनर आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद. या हाँ. तो फिल्म में, फिल्म के स्टार्टिंग में, के शुरुआत में हम देखते हैं कि उसमें तुगलक का मेंशन है. तुगलक एक दिल्ली के रूलर थे, वो शिफ्ट हुए दूसरे जगह पे. उसको, उसका मतलब क्या, एक्चुअली क्या उद्देश्य था? आप कुछ बोलना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ ए मेटाफर, ऐसा कुछ था तुगलक? और एक चीज मैंने जो नोटिस किया मूवी में, वो दैट रेयर बर्ड, राइट, वो सुल्तान ऑफ बर्ड्स इसको बोलते हैं, आई थिंक इट्स वेस्टर्न ट्रैगोपन जो बोलते हैं, जो दिखाया गया है. सो ये सब चीजें आपने जान, मतलब कुछ पर्पस के लिए आपने अपने राइटिंग में इन्वॉल्व किया था, या क्या था वो? सो तुगलक और जूजू राना के रेफरेंसेस, दोनों के लिए मैं क्रेडिट नहीं ले सकता. Okay. The Tughlaq reference came from the dialogue writer Nisarg Mehta. मैंने एक और example दिया था वहाँ पे, but basic idea was the same कि we look for instant solutions for our problems, whatever they are, instinct. And जब कई बार ऐसे होता है कि the solution is worse than the problem. That was kind of the idea of it, using, so in my draft of the screenplay, it was this very absurd thing which happened in China, jisme Chairman Mao, who was the Chinese premier in the mid 20th century, he declared a war on sparrows. Okay. Kyunki like the sparrows, there was like almost invasion of sparrows who were taking over, like who were finishing all of China's, you know, you can read up on the internet about it. So basically, he said ki the sparrows are destroying our crops, so we are going to destroy sparrows. But ultimately, and that led to almost a near extinction of sparrows there, which led to a lot more ecological problems. In a way, and Tughlaq was an Indianization of that, of what the story that is known about Tughlaq, where he shifted his capital, which is mentioned in the film. So we wanted to set the theme of how solutions, purported solutions to problems, can have unseen consequences. Jo hamare film ka overall theme hai, in a way. So that was that. Juju Rana reference came from, I didn't know that word existed. It came from the director, Gyanesh Jotingsa. And he said, you know, it's a bird which is very unique to the geography of Himachal Pradesh, and you have it's almost a spoiler to say this, but you know, somebody dies in that setting who is unique, and it happens by accident. So it was Zotingsa's idea to put that scene there with the bird, just to sort of foreshadow what is going to happen in the film, or what is a big reveal. And more importantly for us was Vimi Shergill's character's reaction to it, where he seems to have a nonchalance about death, and his first instinct is to protect his son, reassure him that it's not his fault. So that's something that he's very touchy about. He's very protective of his son. He wanted to show that in a way that's, you know, not too revealing. So that's where it came from. Achha, okay. क्योंकि मैंने ये नोटिस किया फिल्म में, ये जो मीनिंग, इट हैज अ डीप एंड बहुत ही प्रोफाउंड मीनिंग है मूवी में. मे बी मैंने वो इंटरप्रेट किया कि इट इज टू शो कैसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पीपल जो हैं
वो कैसे एक घटना से कितना प्रभावित होते हैं, एक उस तरह का सो वो मीनिंग जो उभर के आता है, क्या आपने कभी सोचा कि इसको सही ट्रीटमेंट एक सीरीज में मिलेगा और एक मूवी में नहीं जो कि बस 1.5 घंटे का है? आपका आप क्या आप ऐसे मान के चले थे कि इसको एक लंबा सीरीज की तरह दिखाया जाए, सो दैट इट वुड हैव मोर ब्रिंग मोर जस्टिस टू द डीप मीनिंग एम्बेडेड इन द इन योर राइटिंग? सो लाइक आई सेड, द स्टोरी काइंड ऑफ हैज इट्स ओरिजिन्स इन अ सीरीज ऑफ इट्स कॉल्ड इविल जीनियस. तो इनिशियली हमारा आइडिया वही था कि उसको अडेप्ट करें, बट यू नो वी रियलाइज दैट दैट इज अ वेरी अमेरिकन स्टोरी और वो इंडिया में इट वोंट मेक सेंस. But what we wanted to capture was this chaos that it describes and almost an insanity. Original story mein ye hota hai ki there is a man who walks into a bank with a collar bomb. Okay. And it's a very small bank. There's not much money there, so it doesn't make sense to rob that bank. Okay. Ultimately, the cashier says ki mere paas shayad $20 hai. And the bomber just walks out and it leads to a police standoff outside. And in the end, he dies. And that there are suspects. There is an investigation which happened, but it remains one of those unsolved cases. Aapko conclusively kabhi pata nahi chala ki hua kyun. So we wanted to capture that absurdity, which is why, this happens in this kind of a town and, not the kind of town you would expect like a terrorist event to take place. But what we also soon realized is that SE, it's got to this sustain this level of absurdity and chaos, only a film can do that. A series kind of is, spread out, you have to delve into characters a lot more. It's very difficult to write a series centered around an event, like a day or a hostage situation. So always it was a film. Always it has it, the idea was the brief was to capture the chaos and the insanity of the true incident while making it a truly Indian story. मैं ये इसलिए पूछा क्योंकि जो बाकी किरदार हैं पिक्चर में उनका भी काफी सारा कनेक्शन है वो बैक स्टोरी के साथ. जैसे आपने एक किरदार को दिखाया जो स्कूल में है, आई थिंक द प्रिंसिपल और द अदर पर्सन हु इल ट्रीट्स ए किड, उस तरह का मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इनका भी कुछ बहुत सारा कनेक्शन है. तो वो आपने भी अच्छी तरह तरीके से दिखाया है, बिकॉज वो जो एक पास्ट में एक इंसिडेंट हुआ है उसका बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि दूसरे लोगों को इम्पैक्ट किया हुआ है, एंड नॉट ओनली द मेन कैरेक्टर विच बिलोंग्स टू जिमी शेरगिल, ऐसा नहीं है. तो यस, और जब आपने ये स्टोरी लिख रहे थे आप, ये क्या आप वो हिमाचल वाले सेटिंग को अपने मन में रख के किया था ये स्टोरी, या यू जस्ट रोट लाइक दैट? आपके दिमाग में ऑलरेडी वो ऐसा हिली एरिया ये सब सेटिंग आपने सोच के किया था? सो इनिशियली द सेटिंग वाज सपोज्ड टू बी पंचकनी इन इट्स अ स्मॉल महाराष्ट्रियन हिल टाउन, एंड अगेन आई वाज एक्साइटेड अबाउट अ प्लेस वेयर पीपल और ऐसे कुछ हुआ तो लोग को समझ में नहीं आ गया क्या करें, कैसे रिएक्ट करें, बिकॉज इट्स अ वेरी इट्स अ हिस्टोरिकली अ वेरी पीसफुल टाउन, थिंग्स नथिंग हैपेंस इन अ प्लेस लाइक दैट, पीपल हैव वेरी सिंपल सिंपल क्वाइट लाइव्स, एंड सो व्हेन समथिंग ऑफ दिस इंटेंसिटी हिट्स अ टाउन द मोर द लेस प्रिपेयर्ड पीपल आर. अगेन गोइंग बैक टू द ओरिजिनल इवेंट व्हिच हैपेंड, it was a similar small town jahan pe people had no idea what to do and what a bomb looked like even, right? And they didn't know what the response to something like this was. A man walks in with a bomb. So Himachal was a creative decision that was just made by the producers, and I like the idea of it makes it very visual, which I think was a bit lacking if we had set it in my original setting. Yeah, and you have Jitan, who was a cinematographer, who's done such a fantastic job of like capturing the locations. If the mood of the film is something that's very intense and dark, he makes sure that he's contrasting that with like those sweeping landscape shots, and that could only be done in Himachal, is what we decided. So that was the reason behind it. Acha. So
जोटिंग जी ने के साथ आपका कैसा रहा तालमेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट? आपका इन्वॉल्वमेंट कितना दूर तक रहा? आई अंडरस्टैंड दैट आपने पहले तो लिख दिया होगा स्टोरी को, लेकिन व्हेन इट केम टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन आपका कितना कैसा इन्वॉल्वमेंट रहा जोटिंग जी के साथ? जोटिंग जी के साथ मेरा मतलब वी हैड अ लॉट ऑफ सेशंस. आई एम श्योर बाय नाउ यू नो दैट आई एम अ लिटिल वीक विद हिंदी. सो जो डायलॉग ड्राफ्ट बन रहा था इट वाज विद हिम एंड वी गॉट सम डायलॉग राइटर्स मिस्टर निसर्ग मेहता इनटू इट. सो वी वर देयर जोटिंग जी और मैंने एक ड्राफ्ट मिलके लिखा. सो ही हैड अ लॉट ऑफ इनपुट्स अबाउट बिकॉज ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम द सेम स्कूल ऑफ थॉट. ही लाइक्स अ बिट ऑफ अब्सर्डिटी you know in the concept of the film, and he liked, I mean, he was also he's a big also fan a of writer of, and he's done basically a, right yeah yeah writing say should work yeah he made a very very good Marathi film that he, which was Achha. Much separated called Rakshas, which came out a couple of years ago. Yes, 2018. So it was interesting to get, because Zotingji was almost the last person to come on board. We had been working on the screenplay for about a year and a half by that point. So he was very supportive. You know, he was very, you know, he got on the same page almost immediately, which made the process much faster. Okay. Because generally when directors come on board, they come up with their own vision of what it should be. And ultimately, a director is the captain of the ship. Sorry. It was a lot of fun. It was very quick. Working with him almost, you know, accelerated the pace of the film, of how it came together. Then I look forward to working with him again, if he will work with me. Oh. sure. So, आपका future कुछ के कुछ projects हैं जो आप बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को? आप किस में काम कर रहे हैं? और there's an adaptation of a Korean film that I'm doing. Wow. Or a production house. I am not at liberty to talk about it. Okay. And then there's another series that I'm doing with, again, with Mr. Nisarg Mehta, who's the dialogue writer of this film. And Mr. Shiva Bajpai, who's done a lot of stuff. So that's a series. That's about as much as I can discuss. So very early stages. मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कोरियन ड्रामा दे हैव अ वेरी यू नो थ्रिलर फाउंडेशन काइंड ऑफ, तो शायद इसीलिए यू आर मोर इन्फ्लुएंस्ड आल्सो बाय कोरियन फिल्म्स एंड वांटेड टू वर्क ऑन अलोंग दोस सब्जेक्ट्स. या आई मीन कोरियन फिल्म्स हैव ऑलवेज बीन एन इन्फ्लुएंस एंड इट्स रियली एक्साइटिंग व्हाट दे डू विद देयर थ्रिलर्स. इट्स देयर होल एजेंडा इज टू आई थिंक be as unpredictable as possible and to break whatever boundaries they set for human behavior. There's some really messed up Korean films which are very mainstream, which are very popular. I think their more popular films are serial killer stories and films like that. So they've always been an influence. Okay. तो निखिल जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे रेडियो प्लेबैक इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. वी आर सो मच ग्रेटफुल फॉर यू. आई एम रियली ग्लैड दैट आप लोग ये कर रहे हो, बिकॉज वी डोंट हैव मेनी क्वालिटी रेडियो शोज ऑन सिनेमा, व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ऑलरेडी अ फैन ऑफ यू गाइस. नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया. रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक.